आज हम बनाएंगे यूपी के फेमस मठाके आलू। इसके लिए हमने आधा किलो दही को घर में फेंट लिया है और उसमें हमने 2 चम्मच बेसन को मिला लिया है और फिर उसको हमने दोबारा फेंट लिया है। हमने देखिए इसे मिक्सी जार में चलाया है। अब हमें बॉयल आलू चाहिए। ये 300 ग्राम के समथिंग बॉयल आलू हैं। हमने एक भगोने में सरसों का तेल गरम कर लिया है। ये 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। इसमें हम ये पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन में है हमारा कढ़ी पत्ता, जीरा, मेथी दाना, लाल मिर्च खड़ी वाली और थोड़ी सी हींग। अब हम इस गर्म तेल में इस पंचफोरन को डाल देंगे। देखिए ये हमारा पंचफोरन अच्छा से भुन चुका है। अब हम इस पंचफोरन में मठा डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसको चलाएंगे। अगर आपको लगे कि इस मठे में पानी कम है तो इसमें आप पानी और मिला लीजिए। जितना आपको सही लगे आप उतना पानी मिला लीजिए और इसे बॉयल आने तक हम इसे चलाते रहेंगे। जब तक इसमें बॉयल नहीं आता इसे अभी हम नहीं कम करेंगे। इसकी फ्लेम हम फुल रखेंगे और इसे बॉयल करेंगे। अभी हमने इसमें मसाला कोई भी नहीं डाला है। अब हम इसमें हमने जिस मिक्सी जार में मठा चलाया था उसी में हम आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। छोटा सा पीस हम इसमें अदरक डालेंगे और इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची डालेंगे। इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची डाली है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला पिस चुका है। अब हम अपनी इस सब्ज़ी में इस मसाले को डाल देंगे और इसको अब हम अच्छे से चलाएंगे बॉयल आने तक। ये हमारी सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने इसमें पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि इसमें दही है जो फटने का डर रहता है, इसलिए हम बॉयल आने के बाद ही इसमें नमक डालेंगे। अब हम अपने इन बॉयल आलुओं को जिसको हमने तोड़ लिया है इस सब्ज़ी में अब इसमें हम डाल देंगे। हमने आलू डाल दिए हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे।